भाई इज्जत नहीं कर रही अभी, इससे बात बंद कर रही है। नहीं 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 बंद कर रही है, इससे बात बिल्कुल कैंसल हो गई। इस फोटो में भी रो रहे हैं, इस फोटो में थोड़ा कंट्रोल कर लिया अपने आप को। हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आपने हमारी वेडिंग पिक्चर्स देखी और आपने उसको बहुत तारीफ भी करी, लेकिन अभी भी हमारी ना कुछ पिक्चर्स बाकी हैं तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। बट उससे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ, इतनी ठंड जो है इतनी ज्यादा बढ़ गई है और ये पतिदेव मेरे अभी भी ऑफिस से आए हैं इनका सारा फोकस खाने पर, उनको बहुत तेज भूख लग रही थी। तो अभी पतिदेव क्या खाओगे? पतिदेव आप अभी सबसे पहले जो बना है डिनर, डिनर है ये कैसा आंसर था? यूजुअली मैं आपको नाइट सूट वगैरह में दिखती हूँ, लेकिन आज मैंने जैकेट पहनी है क्योंकि बहुत ही ज्यादा ठंड हो रही है और इतनी ठंड में मैंने अपने हेयर भी वॉश कर लिए। बताओ इतनी ज्यादा हिम्मत की आप सबकी नोबिता भाभी ने आज के दिन। हम पता नहीं क्या चल रहा है इतनी ठंड में से, इतनी सी जैकेट से। तेरे को ठंडी लग रही है? ठीक हो? ठंडी लगी तेरे को? नहीं। ओके गाइस, तो आज है संडे। संडे को हम यूजुअली लाइव आते हैं, किसी किसी संडे आते हैं। हमने आज प्लान नहीं करा है लाइव आने का, लेकिन हम आज अभी लाइव जा रहे हैं। और हमारे लाइव का टाइटल क्या है? हमारे लाइव का टाइटल है 100K सून। हमारी 100,000 की फैमिली होने वाली है। 100,000, हम लखपति हो जाएंगे सब लोग। लखपति ना? नहीं, तेरे साथ तो मैं करोड़पति हूँ अभी। लखपति हम फैमिली में होने वाले हैं। फैमिली में लखपति मतलब हमारी फैमिली 100,000 की होने वाली है। मतलब मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा ना कि हमारी पूरी फैमिली 100,000 की है। तो अभी मैं जा रहा हूँ लाइव में, आपको दिखाता हूँ और बस लाइव करने के बाद फिर आपसे दोबारा मिले। तो ये देखो लाइव हम जा रहे हैं 100K और अभी इस टाइम बज रहे हैं 8:45। 8:45 बजे हम लाइव जा रहे हैं। आई विल शो यू नेक्स्ट। मोनेटाइजेशन चलो कर देते हैं ऑफ, तो लाइव चैट रिप्ले डाल देते हैं नेक्स्ट। ओके डन। A few moments later. ये पतिदेव चुपके चुपके किचन में खड़ो के खा रहे हैं गाजर का हलवा। शर्म नहीं आ रहा आपको मेरे सामने गाजर का हलवा खाते हुए? मैं किचन में खा रहा चुपके, तेरे सामने कहाँ खा रहा हूँ? सबकी नोबिता भाभी को बिल्कुल बंद है। और मेरे ख्याल से एक चम्मच चखी सकते होंगे? नो। छोटी सी? नो। एक छोटी सी? भाई मैं बता रहा हूँ, अगर इसको मीठा खाते हुए देख लिया ना आपने, आप इससे बात मत करना। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल बात नहीं करेगा, इससे कोई बात नहीं करेगा। अगर मीठा खा लिया तो चीटिंग नहीं करेगी तू, ठीक है? मेरा प्यार मुझसे छिन गया। मतलब मीठा मीठा, मतलब आप भी हो लेकिन मीठा भी है ना। इज्जत नहीं कर रही अभी भाई, इज्जत नहीं कर रही अभी, इससे बात बंद कर रही। नहीं 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 बंद कर रही है, इससे बात बिल्कुल कैंसल हो गई भाई। लेकिन असली बताऊं, ठंड में जो गाजर का हलवा खाने का जो मजा है, ओए होए वाह, भगवान आपको माफी करेगा पतिदेव। अब सब लोग ना, आप लोग जो देख रहे हो वो ये बताओ कैसे कौन चलता है? अच्छा ऐसे 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 कौन चलता है? मम्मी कोई नहीं चलता, कोई नहीं चलता, कोई नहीं चलता, बताओ मीनाक्षी कोई नहीं चलता है। ये क्या हो रहा है? तेल लगा रहा हूँ सर पे, तू तो हेल्प करनी नहीं थी लगाने में। मैंने आपको मना किया, आपने एकदम से आके लगाना शुरू कर दिया। तेल ही लगाया इंसान। फैमिली मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं आपको हमारी शादी की और फोटोज दिखाऊंगी। वैसे तो हम आपको काफी फोटोज दिखा चुके हैं, बट अभी भी कुछ इंटरेस्टिंग फोटोज हैं जो बाकी हैं, तो वो आपकी नोबिता भाभी आपको दिखाएगी। अच्छा मेरी ना थोड़ी जो आईज में स्वेलिंग से आ रखी है उसको इग्नोर करना, क्योंकि मैं बिल्कुल अभी भी सो के उठी हूँ। मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है 30 मिनट में, तो मैंने सोचा कि मैं आपको इतने में कुछ फोटोज दिखा देती हूँ और आपको बहुत खुशी मिलेगी वो फोटोज देख के, बड़ा मजा आएगा। तो सबके रिएक्शन, सबके इमोशंस, वो सारी फोटोज आपको दिखेंगे। यहाँ हमारे फेरे हुए थे, ये बहुत सुंदर इन्होंने डेकोरेट किया था। हम दोनों यहाँ बैठे थे और बाकी जो हमारे रिलेटिव थे वो यहाँ बैठे थे। आप सबने #RM तो देखा, लेकिन #RM थोड़ा मतलब दूर से कैसा लग रहा था, उसके आसपास पानी और जैसे था वो कैसा लग रहा था वो आपने नहीं देखा, वो अब मैं आपको दिखाऊंगी। ये था हमारी लोकेशन #RNM राहुल एंड मीनाक्षी, और इस पे पानी पे इसकी रिफ्लेक्शन पड़ रही थी, बहुत सुंदर लग रहा था ये। और इसके सामने खड़ोगे ना, बहुत लोगों ने फोटो क्लिक करवाई थी, बहुत लोगों ने फोटो शूट करवाया था क्योंकि लोकेशन ही इतनी अच्छी थी। ये देखो, और ये यहाँ हमारे फेरे हुए थे, हमारे फेरे बिल्कुल इसके पास में ही हुए थे। हमारे फेरे हुए थे सुबह 4 बजे, मतलब मुहूर्त तो पहले का था बट 4 बजे हुए। ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं इसको, तो ये बहुत मतलब शुभ मुहूर्त माना जाता है। तो मैं तो खुश हो गई थी कि 4 बजे, लेकिन ठंड में ना सबकी नौबिता भाभी ऐसे
से कर रही थी क्योंकि नवंबर लास्ट का टाइम था और सुबह के 4 बज रहे थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना बहुत ज्यादा, लेकिन मजा बहुत आ रहा था क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में फेरे हुए थे। ये सारे हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं, ये एंट्री पॉइंट थे जहाँ से लोगों ने एंटर किया था। अब मैं आपको लेके जाती हूँ अपने रूम में जहाँ पे मैं रेडी हो रही थी। जब मैं रेडी हो रही थी ना तब भी जो फोटोग्राफर्स थे वो बीच बीच में मतलब शॉट्स ले रहे थे काफी अच्छे, जैसे कलीरे को पकड़ के हो गया हाथ में, और जैसे मैं सर पे वो रखती घूंघट टाइप का उस पे हो गया, तो वो फोटोज मेरी बहुत अच्छी आई हैं। वो फोटोज अभी आपने नहीं देखी हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ, और मेरी भी यादें ताज़ा हो जाएंगी उन फोटोज को देख के क्योंकि तब मैं बहुत ज्यादा पतली थी। ये कलीरे मैं मैचिंग लेके आई थी अपने जो मेरा लाइट पिंक लहंगा था उसके साथ लाइट पिंक कलीरे, बहुत मैंने मुश्किल से चूज किए थे। ये आ गई आप सबकी नोबिता भाभी, देख रहे हो कितनी पतली हूँ मैं इसमें। ये पूरा सेट और इयररिंग्स और ये मांग टीका, ये मैंने बहुत मतलब पूरी एनालिसिस के बाद सेलेक्ट किया था। फैमिली मेरा ना बचपन से एक सपना था कि मैं अपनी शादी के दिन ना बहुत 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 ज्यादा सुंदर लगूं और मेरा लहंगा जो ना वो अलग टाइप का हो, मतलब कॉमन सा ना, मतलब अलग ही हो बिल्कुल। तो मैंने रेड नथ लेके मैंने पिंक अलग लहंगा लिया और मैंने उसके साथ सारी चीजें मेरे को चाहिए थी अच्छी, ज्वेलरी भी अच्छी चाहिए थी, सैंडल भी अच्छी चाहिए थी, कलीरी भी अच्छी चाहिए थे। तो मैंने इतनी ज्यादा डिटेल रिसर्च करी कि कहाँ कहाँ से मैं चीजें ले सकती हूँ, फिर मैंने अपना लहंगा चूज किया और मेकअप आर्टिस्ट मेरे को लगा कि जो अच्छा कर सकते हैं मेकअप, जो लाइट मेकअप करें, नेचुरल मेकअप करें, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा डार्क मेकअप भी हो जाता है, वो मुझे पसंद नहीं है। तो बहुत मैंने इसके लिए मशक्कत करी थी ढूंढने के लिए, लेकिन रिजल्ट अच्छा रहा। तो ये रूम के बाहर की पिक्चर्स हैं जो बाहर क्लिक करवाई थी, बिल्कुल रूम के बाहर ही था ये। और मेरा ना एक मन और था कि जैसे मैं लहंगा पहनूंगी शादी का तो मेरे को ना एक वैसे वाला पोज भी चाहिए घूमते हुए, जैसे मैं घूम रही हूँ मेरा लहंगा भी घूम रहा हो, बड़ा अच्छा पोज आता है। तो मैंने भैया से बोला भैया प्लीज ये वाला पोज क्लिक करवा दो आप मेरे को, बाकी पोज के तो उतना नहीं है लेकिन मेरे को ये वाला जरूर चाहिए। तो उन्होंने वो भी करवाया मुझसे और वो फोटो इतनी अच्छी आई है, बहुत सुंदर फोटो आई है वो। ये रही वो फोटो, जब एक लड़की की शादी होती है तो पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल मोमेंट होता है वो। जब मैं रेडी हो गई थी तो मम्मी पापा रूम में आए थे और वो देख के मुझे हैरान रह गए थे कि हमारी बेटी इतनी अच्छी लग रही है और हमारी बेटी की शादी है, उसकी विदाई भी है। तो वो मतलब फोटोग्राफर ने एक पोज बताया था जिसमें उनको मेरा ना दोनों को दुपट्टा पकड़ना था, मम्मी को एक तरफ से पापा को एक तरफ से। वो फोटो भी बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत सुंदर। मम्मी पापा ये उन्होंने ऐसे होल्ड किया था ये मेरा दुपट्टा और ये फोटो भी बहुत सुंदर आई थी। ये मेरी जोधा अकबर लुक। मैं ना आई थिंक 7 या 8 बजे तक रेडी भी हो गई थी पूरी और मैं वेट कर रही थी कब पतिदेव मेरे को लेने आए। तो अब पतिदेव की एंट्री हो चुकी है और क्या हीरो वाली एंट्री थी पतिदेव की। मैं पतिदेव ने वैसा को फोटोज अपने दिखा दिए हैं बट आई थिंक एंट्री वाली शायद उन्होंने भी नहीं दिखाई है, तो वो फोटोज मैं आपको दिखाऊंगी। ये हो गई है पतिदेव की एंट्री, वाह कितने खुश है पतिदेव की मैं अपनी दुल्हन को लेने जा रहा हूँ। मासी सब बहुत खुश है, मासी मम्मी पूरी फैमिली डांस कर रही है, बहुत खुश है, फाइनली बंटी की शादी हो रही है। ये हमारी फैमिली की प्रिटी लेडीज, ये पतिदेव आ गए हैं, पतिदेव की एंट्री हो गई है, फाइनली तलवार लेके हाथ में। ये जीजू और जीजू के साले साहब। अब आ गया वो मोमेंट जब दोनों समधी आपस में डांस कर रहे थे बहुत खुशी में। ये आ गए दोनों समधी, दोनों पापा मेरे, दोनों बहुत खुश हैं। और ये हो रहा दूल्हे का स्वागत। स्टाइल देख रहे हो, स्टाइल देख रहे हो आप अपने दिया का, स्टाइल में एंट्री मार रहे हैं। ये सिंगल स्क्रीन, बस इसी स्टाइल पे तो आपकी नोबिता भाभी फिदा हो गई थी। आपके भैया हैं ही ऐसे कि किसी को भी अपने वश में कर ले। दोनों मम्मियाँ मेरी, दोनों समझने कितनी अच्छी लग रही है साथ में खड़ी हुई। वाह, और ये हो चुकी है आप सबकी नोबिता भाभी की एंट्री। मेरी आंखें ढूंढ रही है पतिदेव कहाँ है, पतिदेव कहाँ है। फाइनली मैं अपने पतिदेव से मिल ली और ये हमारी फोटो स्टेज पर, वाह क्या आई कॉन्टेक्ट है। मैं ना फैमिली बैक और बड़ी रोमांटिक हूँ, मेरे को ना जैसे आई कॉन्टैक्ट होता है और ये जैसे मेरे हाथ में तेरा हाथ होता है जैसे मेरे को बड़ा पसंद है। तो मैं शुरू से ना बड़ी फिल्मी टाइप की हूँ, मेरे को मूवीज भी रोमांटिक वो पसंद है इसलिए बहुत ज्यादा। मैंने ना मूवीज में देखा है कि वरमाला जो होती है ना, जो दूल्हे होते हैं उसके दोस्त होते हैं ना, उसको उठा लेते हैं तो वरमाला पहनाना बहुत मुश्किल आता है। तो मैंने क्या किया, मैंने ना जैसे मेरे को मौका मिला वैसे मैंने पतिदेव के गले में वरमाला डाल दी जल्दी से। लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि वो टेढ़ी डल गई है और मैं खुश हो गई थी वरमाला डाल के कि फाइनली मैंने एक बड़ा टास्क पूरा कर लिया है। ये हमारी प्यारी यूवीना, इससे तो आप मिल ही चुके हैं, बहुत प्यारी सी है ये। ये भी ब्लॉगिंग सीख रही है आजकल। नहीं सीख नहीं रही है, आती है इसको, आजकल के बच्चे जीनियस होते हैं, हमें इन बच्चों को सीखने की जरूरत पड़ती है। ये वाली फोटोज मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। फोटोग्राफर भैया ने ना एक सब्यसाची पोज होता है वो करवाया था हम दोनों से, वो फोटोज भी बहुत अच्छी आई है हमारी। ये MNR के साथ जो हमने फोटोज क्लिक करवाई थी बाहर, ये देख रहे हो आप पतिदेव की पोजेस देख रहे हो, क्या पोजेस दे रहे हैं एक से बढ़कर एक। नमस्ते नमस्ते पतिदेव।
अब हम आते हैं लास्ट पिक्चर्स पे जो कि होती है फेरे की पिक्चर्स, जिसमें पति देव मुझे सिंदूर लगा रहे हैं और मुझे मंगलसूत्र पहना रहे हैं। वो फोटोज तो अलग ही होती है बिल्कुल ही। और ये हमारे फेरे स्टार्ट होने वाले हैं, उससे पहले जो रस्में होती हैं वो हमारी चल रही हैं। दी ने हमारा गठबंधन कर दिया, ये सारी रस्में चल रही हैं फेरों की और ये हमने शुरू कर दिया सात फेरे लेने। अब ये फाइनली नोबिता भाभी आपकी हमेशा हमेशा के लिए आपके राहुल भैया की हो गई है। सिंदूर लग रहा है नोबिता भाभी के लग गया। ये पिक्चर मुझे बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छी। ऐसा लगता है जैसे पूरा पूरी ना मूवी का सीन हो रहा है, जैसे दिखाते हैं ना मूवीज में वो पीछे से मंत्र चल रहा होता है और सिंदूर और मंगलसूत्र लग रहा होता है। ऐसे ही मेरे मतलब कानों में मंत्र चल रहा था जब हमारी शादी हो रही थी। पापा रोने लग गए, अभी से पापा रोना आ गया। सब बेटियां समझ सकती होंगी कि जो उनके फादर्स होते हैं उनसे बहुत बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच होते हैं। वैसे तो मम्मियां भी होती हैं और फादर्स अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते, तो जब हमारे ये फेरे जैसे ही खत्म हुए और सारी रस्में खत्म हो गई, पापा को उस वक्त रोना आ गया। अब तो मेरी विदाई स्टार्ट भी नहीं हुई थी, उस वक्त रोने लग गए, बहुत ज्यादा रोने रो रहे थे वो। तो सॉरी पापा आपके रोना वाली फोटोज में दिखा रही हूँ थोड़ी एक दो, लेकिन देखना मतलब ये सारी लड़के ना रिलेट कर सकती होंगी इस चीज के साथ। इस फोटो में भी रो रहे हैं, इस फोटो में थोड़ा कंट्रोल कर लिया अपने आप को। नानी ओहो, ये मेरी बड़ी ड्रामी फोटो आई है, इसको प्लीज आप इग्नोर करना। और फाइनली मेरी हो गई है विदाई, सब मुझसे मिल रहे हैं और मैं सबको टाटा बाय बाय करते हुए आ गई हूँ अपने साजन के ससुराल। तो ये थी हमारी शादी की पिक्चर्स और वेडिंग वीडियो जो है अभी उसका वेट है हमें, वो देखते हैं कब आएगी। हमें फोटो से लग करके पहले देनी है, उसके बाद ही हमारी वेडिंग वीडियो आएगी। फोटो से लग करने का टाइम हमें मिल नहीं पा रहा है, पति जो ऑफिस जाते हैं, मैं अपने स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ, तो इसीलिए चलो कोई नहीं, हम कोशिश करेंगे कि छोटे बेबी आने के से पहले हमारी वेडिंग वीडियो आ जाए, पता चले छोटा बेबी साथ में देख रहा है हमारी वेडिंग वीडियो, तीनों बैठ के साथ में देख रहे हैं। तो फैमिली आप इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और मैं जितना बोलूँ उतना कम है, आप अपने पूरे दिन में से उतना वक्त निकालते हैं हमारे व्लॉग्स देखने के लिए, इतना हमें प्यार देते हैं, तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार देते रहिए हम लोगों को, और अब छोटा बेबी भी आने वाला है तो उसके लिए प्रे करते रहिए, वो भी अब आपको दिखेगा। तो थैंक यू सो मच एंड ख़त्म करने से पहले भी एक बार और मुस्कुरा दीजिए, जल्दी मिलते हैं। और हाँ, जाने से पहले अगर आपने विजय राहुल भाटिया चैनल पर प्रैंक नहीं देखा, संभावना सेठ वाला जो पतिदेव ने मेरे ऊपर किया था, तो वो जाओ विजय राहुल भाटिया पे देखो, वो पतिदेव ने ना बिल्कुल ही मतलब अलग से प्रैंक कर दिया मेरे ऊपर, आप देखना आपको बहुत मजा आएगा। मेरे को तो उसमें गुस्सा आता है लेकिन अब मेरे को ही मजा आ रहा है मैं देख रही हूँ, तो आप देखना ठीक है। ओके बाय बाय बाय।